अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद हारून अर्शद और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हारून चैनल को। हिज़्बुल्लाह का जो है बहुत बड़ा हौसला बढ़ गया है जब से ईरान ने जो अटैक किया है 300 मिसाइल से। अब हिज़्बुल्लाह को ये महसूस हो रहा है कि हिज़्बुल्लाह जो है अब इसमें अपने एरिए में अकेला नहीं है, उसके साथ ईरान और बाकी जो इस्लामी ममालिक की कुव्वतें भी उनके साथ हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हिज़्बुल्लाह के साथ मुकम्मल तौर पर ईरान की हमायत है और ईरान को अब पाकिस्तान और रूस की हमायत भी हासिल हो चुकी है। इस वक्त इसराइल से लेकर ईरान तक माइंड गेम चल रहा है। ईरान अपने हमले में ये कह रहा है कि जिम्मेदारी इसके बाद इसराइल की तरफ जब जवाबी हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीव में किसी ने नहीं अभी तक ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू की सदारत पर अब सवाल उठ रहे हैं और लोग सड़कों पर निकल आए हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहे हैं हर बात के लिए। और क्लियर चट ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को हटाया जाए वजारत से फौरन फिल फोर। मिसाइलें दगी हुई हैं, जंगी जेट तैयार हैं, फाइटर ड्रोन जो है जंगी मूड में हैं, तो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग किसी भी तय मार सकती है। मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उस पॉइंट को समझने के लिए टिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल की पहली तारीख जो इसराइल की तरफ से बारूद बरसा और इसराइल जो है वो इनकार हमेशा करता रहा और दमिश्क हमले से अमेरिका तो दूर दूर तक भागता रहा। ईरान ने 300 से ज़्यादा मिसाइल जो है वो दाग दिए इसराइल पर। ईरान और इसराइल की टक्कर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी ख़तरा मंडला रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको बताएं कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बारूद गोले जो देने की जो है वो मंजूरी दे दी है। इसराइल अटैक मूड में है इस टाइम और ईरान भी पलटवार की तैयारी में है। जंग का युद्ध का पूरा एक माहौल क्रिएट हो चुका है। मिसाइलें एक दूसरे की मुल्क की तरफ तानी हुई हैं। यूएसए जो है 100 करोड़ से ज़्यादा के जो इश्तहार जो है इसराइल को बेचेगा। इसराइल के लिए 26 अरब डॉलर का जो सौदा शामिल है जिसमें कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में 100 मिलियन डॉलर के टैंक गोला बारूद, 500 मिलियन के जो है असला बारूद भी शामिल है, मटार राउंड भी शामिल है 100 मिलियन के इसमें। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही अभी ऐलान किया था अगर इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ बदले की कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। और नेतन्याहू ने जो बाइडन को साफ कहा कि उसको सही रवैया बरतना होगा। और अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि इस हालात में इसराइल को मदद चाहिए और एहतियार पहुँचाइए जाने चाहिए। इस वक्त 1916 किलोमीटर ये तेहरान की दूरी जो है 9437 किलोमीटर ये तेल जो है अमेरिका से दूर है और 3686 किलोमीटर और तेल हबीब से जो है ये मास्को के दूर है। ये दुनिया मैप पर अर्थ का दिखाने का युद्ध सिर्फ यही है जो दिखा रहे हैं हम। यही नहीं, अमेरिका के हालात भी कुछ ऐसे ही हो चुके हैं जिसमें फ्रांस इटली जो इसराइल के साथ देखा जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ईरान चाहे जितना भी ताकत जुटा ले इसराइल उसके तमाम हमले नाकाम करेगा। सिर्फ इसराइल जो है अमेरिका के दम से ही खड़ा है। अमेरिका जो है इसराइल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है और इसराइल की मिलिट्री को सुपर बनाने में अमेरिका का हमेशा ही सरेफरिस्त रहा है। अमेरिका जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको बलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ताकि आयरन डोम सिस्टम की कमी ना पड़े इसराइल को किसी भी किस्म। इसकी कीमत जो है 40 से 50 हज़ार डॉलर होती है एक की। साजिश तो बहुत ख़तरनाक हो रही है, पूरी दुनिया को यही डर लग गया है ईरान और इसराइल को, जो करीब 1.5 साल पहले रूस और यूक्रेन को झेलना पड़ा। इसराइल को अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। और तमाम मुल्कों की जो थ्योरी जो है वो यही है कि यहूदियों ने जो देश खड़ा कर लिया, लेकिन ये कबूल नहीं है
चाहे इसराइल जितना मर्जी एडवांस हो जाए, अमेरिका के बगैर नहीं चलता, और अमेरिका के सर पर हाथ रखने के बगैर इसराइल कभी भी इन मुल्कों का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये भी ही सच है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा असला जो है वो इसराइल को ही देता है। इसराइल जो है अमेरिका का सबसे कारोबारी मार्केट है, और अमेरिका की वजह से इसराइल दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क बन चुका है जो पूरी दुनिया में असला मुहैया करता है। इसराइल को अमेरिकी मदद का स्केल क्या है, यही समझना ज़रूरी है। लेकिन इसराइल से अमेरिका को दोस्ती का क्या फ़ायदा है? लेकिन अगर देखा जाए, इसराइल को अमेरिकी मदद मिलने के कई ऑप्शंस हैं। पहला ही ऑप्शन, अमेरिका की नज़र में जो अरब है वो सबसे जो है अमीर मुल्क है एशिया में। अमेरिका ने हमेशा ही इसराइल को जो है मोहरे के तौर पर काम किया, और अमेरिका इसराइल के ज़रिए जो है एशिया में अपनी ताकत बनाई रखेगा, क्योंकि कहीं भी हमला उसको करना पड़े तो वो इसराइल की मदद से बआसानी वो रख सकता है। सीधे अल्फाजों में अमेरिका का जो गुंडा पाला हुआ है वो है इसराइल।